नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज, इंडिया टीवी ऑनलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क में हूँ मैं। और आज हमारे साथ हैं सगुन पाठक, जो इंडियन आइडल में अपना सिक्का जमा चुके हैं और देश का नाम रोशन किया है। आज देश का नाम युवाओं के लिए इन्होंने एक बात छोड़ गए, माने एक युवाओं के लिए एक वानगी छोड़ी है इन्होंने कि हमारे युवा दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से चलकर कहीं तक पहुंच सकते हैं। और उस कामयाबी का नाम है सगुन पाठक। सगुन, कहां से सफ़र शुरुआत हुई थी आपकी? जी, मेरा फैमिली बैकग्राउंड म्यूज़िक का है, तो पिताजी, दादाजी, चाचा जी सब बचपन से ही जब रियाज करते थे या घर में महफिल जमता था तो सुनते थे, तो उसी से एक खून में संगीत है। और सबको घर में बहुत सपोर्ट करते हैं म्यूज़िक को लेके किसी भी फील्ड में, और घर का बहुत सपोर्ट मिलता है। और इस बार इंडियन आइडल के मंच से पता चला कि झारखंड वाले भी कितने प्यार करते हैं और पूरे देश भर से प्यार मिला। तो ये जब प्यार मिलता है तो मतलब संगीत पे वो असर करता है कि आपको एक मोटिवेशन मिलता है पब्लिक से। तो ये प्यार हम चाहते हैं कि मेरा बना रहे और ऐसा ही नाम रोशन करें, झारखंड को खूब ऊंचाई पे ले जाएं। आप झारखंड के एक रोल मॉडल भी हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी अपने क्रिकेट में अगर लिया जाए तो आपका नाम एक सुर और संगीत में है, गाने में है, क्योंकि आपके गाने में एक कशिश है, एक खिंचाव है जो मेरे पूरे झारखंड के लोग और पूरे भारत के लोग पसंद करते हैं। सगुन, इसके लिए बहुत रियाज करना पड़ता होगा? जी, रियाज करना पड़ता है और क्लासिकल म्यूज़िक सीखना सबको ज़रूरी है और हम भी सीख रहे हैं। अभी इंद्रकला संगीत विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, थर्ड ईयर में हैं। और म्यूज़िक में मतलब मेरे लिए तो वो पूजा जैसा है, तो वो एक दिन भी अगर उसको आरती नहीं दिखाते हैं तो मन नहीं भरता है। तो संगीत, मेरे घर में ही संगीत है तो मुझे संगीत से ज़्यादा लगाव है, तो घर से भी बहुत प्यार मिलता है संगीत को लेकर। तो बस यही कहना चाहेंगे कि इतना झारखंड वालों का प्यार हमेशा बना रहे। अच्छा सगुन, आप एक वो मोमेंट शेयर करिए हमारे दर्शकों के साथ जो इंडियन आइडियल में आपको ऐसा लगा कि मैंने कुछ कर दिखाया है और हमारे झारखंड के लोग इसके ऊपर गौरव करेंगे। जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का एक स्पेशल एपिसोड था, तो उसमें जब मैंने गाना गाया तो लक्ष्मी जी ने मुझे कान में कहा कि आप किशोरदा जैसा आवाज़ करते हैं, आपका साउंड किशोरदा जैसा है। तो मुझे ये जब ओरिजिनल सिंगर इतने बड़े कंपोज़र के ये जब वो बोले मुझे, तो मुझे लगा कि हाँ, मैंने कुछ मेहनत किया है और उसका फल मुझे आज मिला, तो ये मेरे लिए सबसे खास पल था। खास पल था जी। देखिए, किशोर दा भी बिहार की धरती से थे, अनडिवाइडेड झारखंड, झारखंड बिहार उस समय एक जगह ही भागलपुर से बिलोंग करते थे, तो हमारे बिहार से दूसरे किशोर दा निकले, ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं सगुन चाहूँगा कि अपने पूरे संगीत जो सीखने वाले लोग हैं या आप जैसे युवा जो संगीत के ऊपर अपनी ज़िंदगी को चाहते हैं आयूत करें, भारती की सेवा करें, या उन युवाओं को जो आपके उम्र में हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जी, अभी मैं खुद एक लर्निंग पीरियड में हूँ, लेकिन जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो सीखा है, मैं यही कहूँगा कि पुराने गाने ज़रूर सुने। और पुराने गाने में एक बेस है, क्योंकि लता जी जैसा गाती थी, रफ़ी साहब, वो मतलब सोच भी नहीं सकते हैं इतना परफेक्शन के साथ गाते हैं। तो वो जितना सुनेंगे हमको सुर का और संगीत का उतना नॉलेज बढ़ता रहेगा। तो वो सुने, क्लासिकल म्यूज़िक सीखें, क्योंकि वो गाने से आप वर्सेटैलिटी में आराम से जा सकते हैं, आपको कोई भी जोनर में दिक्कत नहीं आएगा कि ये गाना हम नहीं गा पा रहे, ये गाना। तो क्लासिकल म्यूज़िक ज़रूर सीखें, पुराना गाना सुनना शुरू करें, जो भी अगर नहीं सुनते हैं, जो नए गाने ज़्यादा सुनते हैं, तो पुराने गाने में एक बेस छुपा है, तो वो आप ज़रूर सुने। और मैंने भी यही कहा है, तो मैं भी आपको यही सजेशन दूंगा। जी सगुन, बहुत बहुत धन्यवाद सगुन, इंडिया टीवी ऑनलाइन पे समय देने के लिए। मैं ज़रूर चाहता हूँ कि हमारे झारखंड की धरती से, बिहार की धरती से निकला हुआ वो लाल किशोर दा की जगह को पूरी करे और किशोर दा की जगह को ले। सगुन अपने आप में परिपूर्ण है, बस इनको ज़रूरत है कि अपने रियाज को करते रहने का, और जैसे इन्होंने कहा कि लगातार मैं चलता रहूँगा जब तक उस मंजिल पर पहुँच जाऊँ। इंडिया टीवी ऑनलाइन इनको हमेशा सहयोग करती रहेगी और इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रहेगी। नमस्कार डॉक्टर अनुज शर्मा।